भरपूर तारों में गुजारिश कर दूँ तो डाइस के अच्छे पाली खालन गुजार करे हाजी साहब तहानी दोस्तों की असान चेयरमैन नागर जी मेहरबानी जैसा सभी के अज तो मदद कर वही मेहरबानी मुझे भाई गाल बोल तो थी गई तो ही जलता है थे पी ये इलेक्शन अलहमदुल्ला इकहत्तर का ही निजाम हले पो विच में दह ग्यारह साल जयालक की मार्शला लगी इन दह साल की परम मिश्र की मार्शला लगी मुल्क जे हालात आ बहतरी का बजाय बदतर थी पाया वही पंद्रह साल अस टाइम मिलो उन पीपल्स पार्टी की कोशिश रही तो हुकूमत पाँचो वक्त पूरा कर जमहूरियत परवान चढ़े उन में कुर्बानी भी दीस जेल बीठासे कोड़ा भी खादे पर मकसद के लिए अवाम जो राज कायम थे अवाम फैसलो करे ये दुनिया जकूमतू ठहन थी अवाम के रास्ते से ठहन थी अवाम की सोच से ठहन थी अवाम के जहन से ठहन थी पार्टी के मैनिफेस्टो देन थी पार्टी के पॉलिसी देन थी तो यो निज़ाम बेहतर निज़ाम दुनिया में किया है पर पाकिस्तान के अंदर ये मसला थे रहन था और असान सामू दूँ था एक गाल तू अज चवन चाह तो इतने अज जो कैंडिडेट आन उ कैंडिडेट साढ़ा टे साल हुकूमत कई साढ़े टिन साल में काथे सिर भी दिखारे तो मन ला तैयार हाँ तरसुरो मैं उन को तो क्या न करण खपे बादशाह आ हर शे समझे गाल यह है तो फैसलो तरण तहन और दिल के मिलाप का फैसलो असो मकसद सिर्फ यो है तो बेहतर का बेहतर थे बेहतर का बेहतर क्यों बेहतर का बेहतर तैसिलिटी दिनी हूँ जो साई असमान बुधा तो बागड़ी में इन बात का अड़ी घिटी को जगह पक्की को इतने प्रॉब्लम है तबर होंगी ड्रेनेज जो प्रॉब्लम होने कोशिश में कई से प्लाट न पे मिलो हाजी साहब से रबो कस हाजी साहब मेहरबानी कई वो प्लाट वी गैस की मसलो यो अस खुद गैस जो मसलो एल पी जी जो इस्तेमाल था क्यों बिजली सियासत कई थी वे पर यो तुझा पंद्रह दी बिजली जहाँ कटो बाकी अस जान वो जानन खबर पे पंद्रह दिन जैसे पीपुल्स पार्टी जो दौर हो तो तीन बिजली जो भी मसलो हल पे आयो को बिल दे पो को बिल न पे अस हमें तुम्हें मंसूर भी दिनों मंसूर सिर्फ पीपुल्स पार्टी दिनों कें जमात मंसूर न सिर्फ ऐलान था कन हम ये करेंगे हम ये करें हमने ये किया था भाई आपने आज तक क्या किया है वो बताओ तो सही पाकिस्तान के अवाम को कोई एटम बम बनाया कोई कोर्ट बनाया कोई आपने मोटरवे बनाए वो भी लाहौर से इस्लामाबाद इस्लामाबाद सियालकोट सियालकोट से फैसलाबाद फैसलाबाद से मुल्तान मुल्तान से लाहौर और पेशावर आपने सिंध में मोटरवे बनाया आपने बलूचिस्तान में मोटरवे बनाया नहीं आपने नहीं बनाया क्योंकि ये छोटे सूबे हैं असूलन अगर कोई बबे वतन हो तो उसको तो मोटरवे बनाना चाहिए कराची पोर्ट से ग्वादर पोर्ट से बिन कासिम पोर्ट से वहाँ से मोटरवे बनने शुरू होते
ये आवाम के लिए मोटरवे नहीं है, आवाम की मैशियत के लिए मोटरवे नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी दिल की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास बड़े रोड हों। भाई बड़े रोड तो पाकिस्तान को बनाने के लिए कराची के बनने चाहिए और फिर पेशावर तक जाना चाहिए, मगर जहाँ सिंध में नहीं है। मकसद ये है कि 8 तारीख को इलेक्शन है, आप अपना जहन से अपने ज़मीर से पूछ के फैसला करें, जो बेहतर फैसला करें। नौमान आपके सामने हैं, उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो भी आपके सामने हैं, आपसे छुपी हुई कोई बात नहीं है। नासर शाह के सामने जो कैंडिडेट है वो भी आपको जब पूछना है कि भाई कब आप मौलवी साहब बने, कब आप मौलाना साहब बने, बस टिकट लेनी है, इलेक्शन जीतनी है। इलेक्शन जीतने का मकसद नहीं है कि टिकट मिल जाए जीत जाओ, इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि मुझे आवाम की खिदमत करनी है। जब तक आदमी का करेक्टर बेहतर नहीं है, लोग आज पार्टियाँ छोड़ते हैं, मैं पार्टी को सियासी तौर पर बीमार समझता हूँ। हम पे इतनी बड़ी तकलीफें हैं, अभी मैंने ढाई साल जेल काटा है, मगर मैंने पार्टी के पीछे नहीं हटा। लोग लीडर तकलीफ में आता है, पार्टी तकलीफ में आता है, छोड़ के चले जाते हैं, तो ये लोग छोड़ने वाले हैं। तकलीफ में आपकी मददगार साबित नहीं होंगे जो अपनी पार्टियां छोड़ते हैं। अब आप अगर फैसला नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आपको फैसला आपको करना है। जो अपनी माँ को छोड़ देता है, जो पार्टी को छोड़ देता है, वो आपको कैसे तकलीफ के वक्त में आपके साथ खड़े होंगे? तकलीफ के वक्त में सिर्फ पीपुल्स पार्टी खड़ी होती है। 8 तारीख को इलेक्शन है, वो तीर पे ठप्पा ऐसे मारे बीच में, कामयाबी आपके कदम चुनेगी। मेहरबानी।